Mom, Dad, guess what? मेरा ऑफर लेटर आ गया 25 लाख पर एनम. Can you believe it? My first job. I'm so excited. अरे वाह बेटा, शाबाश. Thank you. I'm proud of you. Thank you, पापा. बेटा, एक तुम ही तो हो इस घर की होप. मेरा नाम रोशन करेगी बेटा. मुझे तो पहले से ही पता था. अरे ऐसे कैसे हमारे टॉपर को कोई मना कर देगा? सही बात. Congratulations जी. Thanks आपको. अब तो मेरा आईफोन पक्का ना? पक्का. हाँ बेटा, आईफोन तो दीदी से ले लोगे, लेकिन कभी अपने पैसों से दीदी को राखी पे गिफ्ट भी लेके दोगे या दूसरों के भरोसे ही जिंदगी जियोगे? बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करो बेटा, और 25 लाख का पैकेज तो छोड़ो, अरे किसी अच्छे ढंग के कॉलेज में. क्या आप भी हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं? पढ़ तो रहा है ना, हर बच्चा 100% लाए, ये जरूरी तो नहीं ना. अरे सीरियसली यार पापा, कट हिम सम स्लैक. अक्कू अक्कू सुन ना यार, अक्कू सुन ना, सुन कौन सा कलर लेगा, स्पेस ग्रे या मिडनाइट ब्लैक? पता दी आर बोथ रियली एवरीथिंग. मुझे नहीं पता कि डैड क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं. मुझे भी टेंशन है अपनी लाइफ की. देख डैड ने ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, वो बस ये नहीं चाहते कि तू भी वो सब करे. अरे कौन सा स्ट्रगल दी, एक तो सब ओवर अचीवर्स बैठे हैं हमारे घर में, जब देखो कोई ना कोई अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहा होता है. इट्स ओके यार, यू विल अंडरस्टैंड, वो भी तो सिर्फ तेरा भला ही चाहते हैं ना. अगर ऐसे भला चाहते हैं तो बुरा पता नहीं कैसा चाहेंगे. ए चुप कर, सुन पढ़ाई कर और मेरे को बता दियो कौन सा कलर चाहिए. कनिका यार, बोर्ड एग्जाम्स बढ़िया तो जाएंगे ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है. अरे अक्षत यार, क्यों स्ट्रेस ले रहा है? मेरे पापा ने तो वैसे ही बोल दिए कि यार 12th के बाद जो मन करे वो करना, बोर्ड एग्जाम्स ही तो है, हो जाएगा, टेंशन लेके वैसे भी क्या होगा. तेरे पेरेंट्स कितने कूल हैं यार, मेरे पापा ने तो बहुत टेंशन दे रखी है, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते हैं. क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रहा है तू? सॉरी यार, इट्स जस्ट दीज एग्जाम्स आर. इट्स ओके यार, यू नो व्हाट, लेट्स मीट टुमारो एग्जाम सेंटर पे मिलते हैं. ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. ठीक है, बाय. Bye. आ गए आवारा गर्दी करके. अरे कल से एग्जाम्स हैं तुम्हारे, कब समझ में आएगा तुम्हें? फेल हो जाने के बाद कम से कम पास हो जाना, इतनी इज्जत रख लेना. बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होते ही छात्र और छात्राओं में आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है. सिर्फ उत्तर प्रदेश में 9 दिनों में 5 छात्रों ने आत्महत्या की है. आखिर आत्मघाती कदम बच्चे क्यों उठा रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है एक तो फेल होने का डर और दूसरी तरफ पेरेंट्स का प्रेशर. ये डर हजारों छात्र महसूस करते हैं. कल एग्जाम है ना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ दिखाना है. डैड प्लीज प्लीज,
नहीं देखने मुझे। मैं जानता हूँ आप बहुत सक्सेसफुल हो, दीदी बहुत ब्रिलियंट है, मैं जानता हूँ। नहीं देखना मुझे, हो गया प्लीज। मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, नहीं देखनी मुझे आपकी अचीवमेंट, जस्ट गो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ अपने अचीवमेंट दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज तुझे अपने फेलियर दिखाने आया हूँ बेटा। ये देख बेटा, ये देखो बेटा, मेरे 10th क्लास की मार्कशीट। मैथ्स में मैं बॉर्डर लाइन पे पास हुआ था। और ये देख बेटा, मेरी पहली पार्टनरशिप कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बिजनेस भी फेल हो गया था और उस वक्त मुझे इसमें 5 लाख का नुकसान हुआ था। ये देखो बेटा, ये मेरे कॉलेज के वक्त क्रिकेट टूर्नामेंट टीम की लिस्ट, इसमें भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी बेटा। और यही नहीं बेटा, ऐसे ना जाने कितने फेलियर्स का सामना किया है मैंने अपनी लाइफ में। सैड, आप भी फेल हुए हो? हाँ बेटा, कौन नहीं फेल होता, और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है बेटा। लेकिन फेल होने के बाद उससे कोई सबक ना लेना ही असली फेलियर है। इसलिए बेटा, दिल लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, लेकिन फिर भी अगर मन चाहा रिजल्ट ना मिले ना, तो कभी घबराना मत। बोर्ड एग्जाम्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम्स ही तुम्हारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करेंगे बेटा। तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करेगा तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारी मेहनत। थैंक यू सो मच पापा। आई कैन टेल यू कि मैं कितना डरा हुआ था। बस बार बार यही सोच रहा था कि अगर कुछ खराब हो जाए, कुछ अगर मैं फेल हो जाऊँ तो आप कितना गुस्सा करोगे, फिर वो रिलेटिव्स आएंगे, आप एम्बैरस होगे, और फिर वो उनके क्वेश्चंस। एक और बात बेटा, आई एम सॉरी कि हम पेरेंट्स अपनी सारी होप्स तुम बच्चों पे डाल देते, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कि जो गलतियां हमने की और जो कुछ हमने बाद में फेस किया, वो सब तुम बच्चों को ना करना पड़े। लेकिन ये सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे खुद से ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उन्हें वो सीखेंगे कहां से बेटा। और अननोइंगली तुम लोगों पर इतना प्रेशर डालने के लिए भी आई एम सॉरी बेटा। ऑल द बेस्ट माय हीरो, आई नो यू विल डू वेल। Watching this video, we really hope you liked it. And if you liked the video, please do not forget to like Life Stuck on Facebook, Instagram, and YouTube. और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो bell icon दबाएं और subscribe करें. और अगर आपके board exams चल रहे हैं, या आपके घर में किसी के board exams चल रहे हैं, तो all the best यार. All the best.